नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा के साथ। फिल्म पठान को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। इसे लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेदोला ने शाहरुख खान पर निशाना साधा है। विधायक रमेश मेदोला ने कहा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी के मंदिर पर पहुंच गए हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि पठान में दीपिका भी हैं, जो पाकिस्तान से हिंदू आने वाले हिंदू सिख और ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थी। 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इससे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। रमेश मेंदोला का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ में वो तस्वीरें भी जब शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, एक तरफ शाहरुख खान का वैष्णो देवी धाम पर पहुंचना हुआ और दूसरी तरफ रमेश मेदोला का पठान फिल्म को लेकर विरोध जताना शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं किंग खान, इन दोनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर वो काफी चर्चा में है और शाहरुख खान अपनी फिल्म की सक्सेस लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले वो मक्का भी गए थे, मक्का में उमरा करने के बाद वो वैष्णो देवी पहुंचे। उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और मत्था टेका। शाहरुख खान के साथ इनके कुछ दोस्त भी वहां पर गए थे, हालांकि शाहरुख खान मास्क लगाकर गए थे जैसे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन शाहरुख खान को पहचान लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म को लेकर जो आपत्ति है वो बीजेपी के विधायक है रमेश मेदोला ने जताई है। उनका कहना है कि जो इसमें दीपिका पादुकोण जो हीरोइन है, उन्होंने हिंदू सिख और ईसाइयों की नागरिकता देने का विरोध किया था जो पाकिस्तान से आने वाले आए हुए थे। इससे अच्छा है कि हम आपकी फिल्म देखे, 200-300 रुपए का टिकट खरीदने से अच्छा है कि हम किसी भूखे को भोजन करवा दें। और आप इस फिल्म 23 जनवरी को एक फिल्म लॉन्च होने से 25 जनवरी 2023 को एक फिल्म लॉन्च होने वाली है, उससे पहले विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया साइट पर भी बायकॉट पठान के ट्रेंड भी चल रहा है और कई लोग इसका विरोध सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक का ये विरोध काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी वो इस तरह के विरोध हम कई बार जता चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या पठान मूवी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की मूवीज को लेकर जब भी इस तरह के बयान सामने आते रहे, बीजेपी विधायक की तरफ से हो या सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड की बात हो, मध्य प्रदेश में भी उसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिला है। और मध्य प्रदेश में नेताओं की जुबान आजकल बहकी बहकी सी लग रही है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान का हंगामा भी थमा नहीं है कि एक और कांग्रेस नेता की जुबान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नेता है जबलपुर की बरकी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय यादव। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब आवेदन, निवेदन और ज्ञापन नहीं बल्कि दे दनादन से बात करेंगे। उनका कहना था कि बरगी विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं, गरीब जनता और आदिवासी के रुके पड़े विकास कार्य को लेकर बेहद परेशान हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं और अब इससे काम नहीं चलेगा, अब तो दे दनादन से बात होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को एक बड़ा जंगी प्रदर्शन भी किया जाएगा, जबलपुर के कलेक्ट्रेट में किया जाना है। आप भी सुनिए विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे जनपद सदस्य हों, भेड़ाघाट नगर परिषद के हों या वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा, निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा, सीधे सीधे बात होगी, क्योंकि जनता पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है। कांग्रेस विधायक का ये बयान आपने सुना, इसको लेकर अब लगातार सियासत भी बढ़ती जा रही है। सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रतीक, भले ही सुविधाओं की बातें हों या अव्यवस्थाओं की बातें हों, उसको लेकर लगातार वो प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक और कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी कई सारी हलचलें होती है, क्योंकि राजनीति का स्तर इस तरह का हो गया है कि बयान कुछ भी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं आजकल। अभी
देखिए बिल्कुल अवंतिका, हिंसक बयानबाजी कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीति का पर्याय सा बनती जा रही, जबकि हमने देखा है सदाचार हमेशा से एक पर्याय रहा है राजनीति का और शिष्टाचार का पालन हमेशा किया गया। और बेशक अभी तक संजय यादव ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा आहत हैं कि आज मीडिया के सामने वो इस स्तर तक आ गए, उन्होंने ये कह दिया कि अब आवेदन निवेदन नहीं, अब दे दना दन, चूंकि अब अंतिम साल बचा है, अगले साल चुनाव बरगी में होना है। लेकिन लगातार जो तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा योजनाएं हैं, जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं, उनके काम को रोका जा रहा है और ये भी आरोप लगाएगा कि पक्षपातपूर्ण रवैया शिवराज सरकार अपना रही है, जो कि मंत्रालय से लेकर के सरकारी कार्यालय तक जहां जहां भी वो गए हैं उनके कामों को अटकाया ही जा रहा है। एक तहसील का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसे भी कैबिनेट की मात्र एक मोहर लगनी है और उसके बाद वहां आधारभूत ढांचा तैयार है, लेकिन तहसील कार्यालय भी नहीं खुल पा रहा, ऐसे उनके आरोप है। तो जो भी हो, 15 तारीख को जंगी प्रदर्शन जबलपुर का कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करके करेंगे और इसमें सभी विधायक जो है कांग्रेस के वो शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, स्थानीय जनता शामिल होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो जो भी 15 तारीख को क्या आवेदन निवेदन या धनादन होगा ये देखना होगा, लेकिन कम से कम उनके इस बयान से पुलिस को अब चौकस व्यवस्था रखनी होगी, हम इतना तो समझ सकते हैं, क्योंकि अगर धनादन हुई तो वाकई माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन मूल रूप से जो उनका मकसद था, जो समझ में आया कि वो आहत बहुत ज्यादा है और अब वो आवेदन निवेदन नहीं करना चाहते, अब सीधे वो जनता के लिहाज से जनता की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने आमादा हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि राजनीतिक तौर पर जो शालीनता की उम्मीद की जाती थी वो आजकल फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है, और इसी सिलसिले में बात राजा पटेरिया की भी। पीएम मोदी के हत्या को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया उन्हें, और जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इधर पटेरिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, पूरी रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, फिर उन्हें 14 दिन की जेल हो गई। राजा पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है। एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं, जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूं। वहीं पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, कि इनके इशारे पर राजा पटेरिया ऐसी भाषा बोल रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किनके इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, कांग्रेसियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेद व्यक्त भी किया, अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया, राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। चुनावी साल, राजा के विवादित बोल कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। फिलहाल पटेरिया को लेकर सियासी उबाल जारी है और अभी शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस पूरे विवाद को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में गहमा गहमी देखने को मिल रही है और इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। हालांकि इस पूरे विवाद पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, इस विवाद को लेकर और बयान को लेकर ये बात तो स्पष्ट है कि बिल्कुल ही अशोभनीय बात राजा पटेरिया ने कही, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक्सेप्टेंस कहीं नहीं है, रिग्रेट उनके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने बयान दिया उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई है।
और जैसे ही उनका बयान सामने आया था उसके बाद भी वो ये कह रहे थे कि दरअसल उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि जो बयान था वो कहीं और का नहीं, खुद उनकी ही ओर से एक बैठक जो ली जा रही थी मंडलम सेक्टर की उसका था, और उसमें वो साफ तौर पर हत्या शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इन द सेंस हराना है, जो पूरा सेंटेंस उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसे बड़े अनुभवी नेता की ओर से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, निश्चित ही इस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, और बीजेपी की ओर से ऐसा किया भी गया। हालांकि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के सामने आई उसमें लगता है कि शायद पार्टी में इस बात को लेकर एकमत नहीं है कि राजा पटेरिया के खिलाफ आखिरकार एक्शन क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि राजा पटेरिया जैसा आप कह रहे हैं कि विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो खुद कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं उनका बयान सामने आया तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की। लेकिन फिर वहीं जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं उनका बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, पार्टी इस तरीके के बयानों से किसी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखती। तो दोनों बातें अलग थी दोनों बड़े नेताओं की, और खुद राजा पटेरिया जैसे बातें कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत पेश किया गया। तो एक तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी की आखिरकार लाइन इस पर है क्या। इन सब के बीच में जो बयान है जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसमें एक बात तो स्पष्ट थी कि राजा पटेरिया ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया हत्या का प्रधानमंत्री को लेकर वो ठीक नहीं था। हो सकता है राजनीतिक तौर पर विरोधियों पर निशाना साधने के लिए अपनी बात कहने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ और शब्द हो सकते थे, लेकिन हत्या शब्द इस्तेमाल करना निश्चित ही इस पर सवाल खड़े होने थे। और हुआ भी ऐसा ही है, राजनीतिक तौर के साथ साथ कानूनी एक्शन भी राजा पटेरिया के खिलाफ में हो रहा है। उन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में 14 दिन की उनको भेज दिया गया है, और ये माना जा रहा है कि राजा पटेरिया की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं कानूनी तौर पर। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक साबित होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल शरद, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आगामी समय में विधानसभा चुनाव है और इसलिए माना जा रहा है कि इस तरह की बौखलाहट या ये कह सकते हैं कि इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी से सामने आ रहे हैं। लेकिन जरूरी हो जाता है कि हम इस बात पर भी चर्चा करें कि राजनीति में जो शालीनता की उम्मीद की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब हिंसक होती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री की हत्या जैसे बयान सामने आते, दूसरी तरफ जबलपुर के विधायक कहते हैं कि अब तो दे दनादन होगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, राजनीति अपनी जगह है, कहने को तो जनसेवा का माध्यम है। कुछ नेता एक पार्टी में हैं, कुछ नेता दूसरी पार्टी में हैं, और जनता जिसे अपना जनादेश देती है वो राज करता है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के लिए एक शालीनता कायम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए काम करते हैं। इवन यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब विपक्ष होता है, क्योंकि वो जनता की आवाज़ बनता है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि राजा पटेरिया ने अपने बयान पर तुरंत सफाई भी दी थी इन द सेंस कहते हुए कि उनको हराना है, लेकिन अगर हराने की बात करनी ही है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं निशाना साधने के, कटाक्ष करने के। नेता आम तौर पर ऐसा करते हैं चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन उनमें मर्यादा रहनी चाहिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो मर्यादा दोनों ही पार्टियों के नेताओं के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस पूरी चर्चा के लिए। तो राजा पटेरिया और उस पूरे बयान पर हमने चर्चा की, आगे बात उज्जैन की भी कर लेते हैं। हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता पर अब विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने इस प्रतियोगिता को लेकर सवाल उठाते हुए रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता को लेकर हिंदूवादी संगठन के आक्रोश के बाद उसे रोक दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परीक्षा की नियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसे फौरन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। पैगामे इंसानियत सोसाइटी द्वारा की जा रही निबंध प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम युवक युवतियों को ही आमंत्रित किया गया था,
जिसमें इन्हें हजरत मोहम्मद के जीवन पर 5 से 10 पेज के अंदर निबंध लिखकर देना था। इसके लिए शहर में 7 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे, साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिंक दी गई थी। जैसे ही इसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी थी, उन्होंने आपत्ति जताई। ये प्रतियोगिता पैगाम इंसानी जो हमारी संस्था है उसके बैनर तले रखी गई थी, इसमें 50 रुपये शुल्क रखा गया था रजिस्ट्रेशन का, और एक किताब उनको दी जाती 10-15 सफ़े उनको लिखना थे और वो लिख कर के उनको जमा करना थे, और उसके बाद में वो उस पर हम लोग इनाम देने की बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि इसमें कुछ हमारे भाइयों ने एतराज़ किया और प्रशासन ने हमको बुलाया, तो कल से SP साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इसको अभी आप स्थगित कर दो, तो हमने इसको स्थगित कर दिया, अभी इसको निरस्त कर दिया फिलहाल। ये पैगंबर इंसानियत सोसाइटी के द्वारा उज्जैन शहर में माहौल खराब करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी, इसका बजरंग दल ने पूरा कड़ा विरोध करा है। कल माननीय SP साहब को और ADM साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पैगंबर इंसानियत जो है ये मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर बताया जा रहा है कि इसमें हमारे को बताया जाए, 5 पन्नों का लेख बताया जाए कि इसमें मोहम्मद साहब की अच्छी अच्छाई के बारे में, और इसमें सिर्फ हिंदू ही भाग ले सकते हैं, ऐसा क्यों? फिलहाल इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दिया गया है। आयोजनकर्ताओं के भाईचारे का तर्क और हिंदू संगठनों के धर्मांतरण के आरोप सवाल जरूर पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे, इसलिए मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, एक प्रतियोगिता जिसको लेकर सभी के अपने अपने पक्ष है, लेकिन बड़ी बात यह कि नियत पर अब सवाल है कि प्रतियोगिता के पीछे मंशा आखिर क्या रही। मनोज, जब ये पूरा मामला उज्जैन से भोपाल पहुंचा तो खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें संज्ञान लिया, और संज्ञान लेते हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में जांच की जाए। और हालांकि इससे पहले ही, क्योंकि वहां पे इसको लेके काफ़ी हंगामा हो चुका था, हिंदू संगठन इसे निरस्त करने की मांग कर रहे थे, FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इससे माहौल ख़राब करने का उनका आरोप भी था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस तक जब ये जानकारी पहुंची, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया, उसके बाद SP ने जो है जो आयोजक थे उनको बुलाया और उनसे बातचीत करने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया, यानी इसे स्थगित किया गया। हालांकि इसमें कंटेंट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो विषय है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अब ऐसे में क्योंकि निर्देश दिए गए हैं भोपाल से गृह मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर, तो अब पुलिस अब उस कंटेंट की जांच कर रही है जिसको लेके ये पूरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी। निबंध प्रतियोगिता में जो पुस्तक दी जानी थी उसमें किस तरीके के कंटेंट है और जो भागीदारी की बात की जा रही है उसको लेकर उनका आखिरकार क्या मकसद था, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनको जानने के लिए पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी। हालांकि किसी तरीके का माहौल ख़राब ना हो उसको लेकर दोनों ही पक्षों को यहां पे समझाइश भी पुलिस के द्वारा दी गई है। अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है, कंटेंट को देखा जा रहा है कि आखिरकार इस कंटेंट में है क्या। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और अब निश्चित तौर पर यह मामला तभी स्पष्ट हो पाएगा जब इस पूरी प्रतियोगिता के पीछे मंशा स्पष्ट होगी। आगे बढ़ते, रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही। रेलवे स्टेशन पर NSUI का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन को रोकने के लिए NSUI कार्यकर्ता जा पहुंचे हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी का विरोध लगातार अब जताया जा रहा है और बढ़े हुए किराए के विरोध में NSUI ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पर, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब ट्रेन के किराए को लेकर, लेट लतीफी को लेकर भी जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर डटे हुए, ट्रेनों की लेट लतीफी और बढ़े हुए किराए को लेकर विरोध जता रहे हैं। तो NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, नारेबाजी की। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18। जगदलपुर दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। जिला प्रशासन